The mass media and role of the state. This topic basically is related to the correlation between the media, politics, politicians, and the state. Because there are different lens through which we can correlate these all factors or elements, or there are various differences on this perspective that what type of role media and uh, media has related to the role of state. there is a pluralist view. they claim that the mass media and especially their relationship with the ruling authority, it is quite interesting because there are various individuals and there are various groups. those can influence not only द मीडिया बट एज वेल एज द वर्किंग ऑफ द स्टेट सो हु कैन कंट्रोल द एलीट एंड कैन प्रॉपरली एडवाइज द एलीट रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज द एलीट्स एंड द डिसन मेकरस दे हैव टू प्रिपेयर द पॉलिस रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द स्टेट तो अगर मैस मीडिया के पास ये पावर दे दी जाए कि वो डिक्टेट करे स्टेट को और एलिट को तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगा तो जो प्लोरिस्ट व्यू है दे हैव देयर कंसर्न्स बट दे एडमिट दैट मीडिया हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग द रोल ऑफ द रिगार्डिंग द एडवाइजिंग टू द एलीट सो वी कैन से दैट द पर्सपेक्टिव दैट मीडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विच ट्राइज टू स्प्रेड एवरी अवेलेबल इंफॉमेशन अबाउट एवरी आस्पेक्ट ग्रोप ऑफ सोसाइटी विदाउट बींग अंडर कंट्रोल ऑफ एनी रूलिंग अथॉरिटी और क्लास ये परस्पेक्टिव जो है ये आज कल के हालात में बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंस इख्तियार कर गया है क्योंकि अगर मीडिया के पास अनगाइड अनचेक्ड इंफॉर्मेशन है और वो उसको स्प्रेड कर रहे हैं विदाउट एनालाइजिंग के उस इंफॉर्मेशन का इम्पेक्ट उस इंफॉर्मेशन का असर माशरे पर क्या होगा या रियासत के मुफाद पर क्या होगा तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो डेफ़िनेटली पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करती फॉर द वर्किंग ऑफ द सिस्टम फिर एक और परस्पेक्टिव जो है दैट इज़ द देश मेनोपलेटिव व्यू कैसे कि लोगों को कैसे उनकी मीडिया जो है वो मेनपुलेट कर लेता है अवाम को कि कोई ख़ास स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बार 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 लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा प्रोपिगेट किया जाएगा एक ख़ास नुकतः नज़र तो आम लोग जो हैं जो एजुकेटेड नहीं होते जिन लोगों के पास कोई और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होते तो वो मीडिया के उसी पर्सपेक्टिव को उसी डायरेक्शन को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं ख़ासतौर पर अगर हम इसको एवेलुएट करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारे गवर्नमेंट्स के अफेयर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में मीडिया आमतौर पर ऐसी प्रोजेक्शन करता है कि जहां लोगों को कन्विन्स होना पड़ता है कि शायद हालात वाकई इसी ख़ास एंगल की तरफ जो हैं दे आर परसोइंग टू वर्ड्स ऑन स्पेसिफिक डायरेक्शन देन इन अदर व्यू दैट इज़ कॉल्ड अजमानिक व्यू दैट

मीडिया के थ्रू एक ख़ास जो इंफॉर्मेशन है एक ख़ास पर्सपेक्टिव जो ख़ास तौर पर रूलर्स को प्रमोट करता है उनको फेवर करता है वो परसू किया जाता है लेकिन आजकल के दौर में मीडिया को ऐसे मेनपोलेट कर लिया जाए कि वो आवाम के जहनों को एक ख़ास एंगल पर ले जाएँ एक ऐसे लेवल पर ले जाएँ जहां बाक़ी एस्पेक्ट उनको नज़र ना आए या वो मेंटली ये समझें और ये कैसे हो रहा है ये हम आजकल देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो अपने अपने आस्पेक्ट्स को अपने अपने नुक़ः नज़र को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो माशरे के अंदर लोगों की ओपिनियन को बकायदा डिवाइड कर देते हैं जिसने जो सुनना होता है वो अपनी मर्ज़ी का चैनल प्ले करता है लेकिन वो ये महसूस नहीं कर पाता यही उस मीडिया हाउस की एफ़र्ट थी कि वो एक ख़ास नुक़ नज़र आपको सुनाना चाहता है और आप अनइंटेंशली उसी नुकतः नज़र को सुनने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि बार बार एक ही बात कही जाती है और हम समझते हैं कि यही बात सही है लेकिन ये मीडिया की बाकायदा पॉलिसी होती है और ज़ाहिर मीडिया को चलाने वालों का दिमाग उनकी पॉलिसी प्रेफरेंस उसके बिहाइंड काम कर रही होती है फिर अगर हम ये देखें दैट द विनिंग ऑफ कॉन्सेंट एंड नैरेटिव। अगर हम किसी खास नैरेटिव को किसी ख़ास नुक़ नज़र पर कन्विस्ड हो जाते हैं तो हमें बाकी सब गलत नज़र आना शुरू हो जाते हैं और यही आजकल की दुनिया के अंदर हो रहा है ये पहले पहल वेस्ट ने डेलीब्रेटली स्टार्ट किया बड़े मुल्कों ने स्टार्ट किया उन्होंने खासतौर पर कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ ये तरीक़ेकार इख्तियार किया फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने भी प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स इख्तियार और आज की दुनिया के अंदर इवन मुल्कों के अंदर खुद भी ये डिवीज़न क्रिएट हो गई है कि हर मीडिया हाउस हर मीडिया चैनल अपने अपने ओनर के पर्सपेक्टिव, उसके इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टेट के इंटरेस्ट को समटाइम्स टॉप प्रायोरिटी पर ना रखते हुए भी अपनी प्रोजेक्शन पर फोकस करते हैं और इससे क्या हो रहा है इससे सोसाइटीज़ डिवाइड हो रही हैं लोगों के अंदर कन्फ्यूजनस क्रिएट हो रहे हैं और इन कन्फ्यूजनस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हर जगह का जो सोशल फैब्रिक है वो ज़्यादा शिद्दत पसंदी की तरफ जो है वो जा रहा है क्योंकि इन इससे टॉलरेंस का एलिमेंट लेसर होता चला जा रहा है और फिर लोग ये ढूंढते हैं के माशरों के अंदर इन टॉलरेंस कहाँ से आ रही है